नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस लाइव इंटरैक्टिव फोन इन सेशन में, जिसे आप देख रहे हैं ई विद्या चैनल नंबर 9 पर। आप सभी का स्वागत करती हूं मैं रेणु भट्ट अपने इस लाइव इंटरैक्टिव फोन इन सेशन में। जैसे हमने आपको बताया और आप सभी को हम बता दें कि ये सत्र हम लेकर आए हैं सोशल साइंस के 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, और आज हम बात करने वाले हैं द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर पार्ट फर्स्ट पर। तो क्या खास है इस गांव में और क्या चीज़ स्पेशल है इस गांव की, ये आपको बताया जाएगा हमारे विशेषज्ञ द्वारा। तो बिना किसी देरी के फटाफट हम उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे परिचय लेते हैं। आप हैं श्री सुशील कुमार, आप PGT हिस्ट्री हैं, KV आसनसोल वेस्ट बंगाल से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी मैम धन्यवाद, और सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। जी, और ये सत्र हम शुरू करें, बहुत ज़रूरी सूचनाएं अपने सभी देखने वालों के साथ साझा करना चाहेंगे। बच्चों, अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी हो इस पार्ट में, अगर आप अटक गए हैं, तो आप अपनी सभी क्वेरी, सभी प्रश्न हम तक पहुंचा सकते हैं कॉल के माध्यम से। आप हमें कॉल करेंगे हमारे टेलीफोन नंबर पर जो है 8800-440-559, या फिर आप ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है dth.class9@cit.nic.in। और ये सत्र शुरू करने से साथ ही हम एक बहुत ज़रूरी सूचना आप सभी के साथ शेयर करना चाहेंगे रिगार्डिंग इंडियाज़ G20 प्रेजिडेंसी। वी आर इंडीड वेरी प्राउड दैट इंडिया अज्यूम्ड G20 प्रेजिडेंसी एंड विल कन्वीन द G20 लीडर्स समिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री इन 2023। A nation that deeply committed to democracy and multilateralism, India's G20 presidency would be a watershed moment in her history as it seeks to play an important role by finding pragmatic global solutions for the well-being of all. And in doing so, manifest the true spirit of Vasudhaya Kutumbakam, or we can say the whole world is one family. With that very important piece of information, let's quickly get back to the session, jis pe hum baat karenge the story of village Palampur part first. So, seedhe sir ke paas chalte hain, sir se hi jante hain ki sir kya kuch vishesh hai is gaon mein, sir. What is so special about this, sir? Ji, Renu ji, aapko puna dhanyavaad, aur PM Vidya channel dekhne wale sabhi darshakon ka bahut bahut swagat hai. बच्चों, आज हम क्लास 9 के इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर इसका पहला सेशन लेके आपके सामने आए हैं। बच्चों, आपको मालूम है इकोनॉमिक्स एज ए सेपरेट सब्जेक्ट ऑफ सोशल साइंस पहली बार क्लास 9 से शुरू हुआ है। सो जब हम बात इकोनॉमिक्स की करते हैं, तो क्लास 9 में जो आपका इकोनॉमिक्स है, वो एक तरीके से आपकी जो डेली प्रैक्टिस है, जो डेली लाइफ है, उससे जुड़ा हुआ है। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में क्या क्या कंटेंट हमें पढ़ना है। सो द टॉपिक दैट वी हैव टू कवर इन सेशन 1 इज द ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ पालमपुर, मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन पालमपुर, द फैक्टर इंपॉर्टेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ कैपिटल, डिफरेंस बिटवीन वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स्ड कैपिटल। लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन एट फर्स्ट। रेनू जी, हम सभी जानते हैं कि जितने भी लोग होते हैं, अपने सर्वाइवल के लिए अलग अलग तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज में वो इंगेज रहते हैं। जी। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि शहरों में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंडक्ट कराई जाती है, उनके नेचर में थोड़ा बहुत अंतर होता है। जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पर बात करें, गांव के लोग रूरल एरिया में अगर मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करें, वो एग्रीकल्चर होता है, डेयरी होता है, लिटिल बिट छोटे मोटे जो शॉपकीपर्स होते हैं, छोटी मोटी जो दुकानें होती हैं, फिशिंग होती है, ये बेसिकली रूरल एक्टिविटीज की जो है, रूरल एरियाज की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। जबकि शहरों में अगर हम बात करें, तो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, सर्विस सेक्टर्स के बहुत सारे ऑफिसेस होते हैं, तो इस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज शहरों में कंडक्ट कराया जाता है। तो अब आखिर उठता है कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। बच्चों, हम इस चैप्टर में पालमपुर नाम के एक काल्पनिक गांव के द्वारा, पालमपुर नाम के एक हाइपोथेटिकल, एक काल्पनिक गांव के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, उनमें प्रोडक्शन कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसको समझने की कोशिश करें। ध्यान रखिएगा बच्चों, पालमपुर हिमाचल प्रदेश में एक गांव का भी नाम है, साथ ही साथ हो सकता है पालमपुर और भी किसी स्टेट में गांव का नाम हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जिस पालमपुर की बात की जा रही है, वो कोई रियल एग्जिस्टिंग पालमपुर नहीं है, बल्कि एक कल्पना की गई है एक गांव की, और किसी एक गांव की कल्पना करके उसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों की
इकोनॉमी को समझाने की कोशिश की गई। अब इसीलिए ये जरूरी है कि पालमपुर में क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, कैसे उनको कंडक्ट कराई जाती हैं, उससे उसको समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि जिस पालमपुर की बात की जा रही है उस पालमपुर गांव की फिजिकल सराउंडिंग, ज्योग्राफिकल सराउंडिंग क्या है। सो लेट स्टार्ट टू डिस्कस द ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ पालमपुर और द ज्योग्राफिकल सराउंडिंग ऑफ पालमपुर। बच्चों, जैसे कि बताया गया है, इस कहानी का जो पालमपुर है ये एक हाइपोथेटिकल विलेज है, एक काल्पनिक गांव है। इसके किसी भी वर्तमान गांव या एग्जिस्टिंग गांव से इसकी तुलना हम नहीं कर सकते। तो ये जो पालमपुर गांव है कई सारे छोटे गांवों से जुड़ा है, साथ ही साथ एक बड़े गांव रायगंज जो कि पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर है उससे भी अच्छे तरीके से जुड़ा है। थोड़ा और आगे जब हम बढ़ते हैं एक छोटा सा शहर शाहपुर, वो भी जो है पालमपुर से वेल कनेक्टेड है। बच्चों, चाहे सारे गांव की बात कर रहा हूं या जो छोटे कस्बे वाले शहर की बात कर रहा हूं, ये सभी गांव और कस्बे पालमपुर से अच्छी तरीके से जुड़े हैं। रोड का नेटवर्क बहुत अच्छा है, कई तरह के ट्रांसपोर्ट भी यहां पे आसानी से उपलब्ध है। आइए इन द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ऑफ पालमपुर। हर एक गांव में, शहर में अलग अलग तरह के सामाजिक समुदाय रहते हैं। सो आइए हम देखते हैं कि पालमपुर में किस तरह का सामाजिक समूह रहता है, किस तरह का सोशल ग्रुप रहता है। पालमपुर जिस गांव की बात हो रही है, देयर आर ऑलमोस्ट 450 फैमिलीज बिलोंग्स टू डिफरेंट कास्ट, अलग अलग जातियों से 450 परिवार बिलोंग करते हैं। आउट ऑफ दिस 450 फैमिलीज, 80 फैमिलीज बिलोंग टू सो कॉल्ड अपर कास्ट पीपल विच आर हैविंग द मेजोरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज। इस गांव की जो कहानी है उसमें आउट ऑफ 450 फैमिलीज में 80 फैमिलीज सो कॉल्ड अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं और जिनके पास गांव की ज्यादातर जमीनें हैं। इनके ये जो परिवार हैं, इन परिवारों के हाउसेस भी काफी बड़े हैं और ज्यादातर घर जो हैं पक्की ईंटों से बने हैं और वेल प्लास्टर्ड किए हुए। ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फैमिलीज, दैट मींस ऑलमोस्ट 150 फैमिलीज बिलोंग टू द दलित, दैट इज शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी, लिविंग इन स्मॉल एंड कच्चा हाउसेस इन द वन कॉर्नर ऑफ द विलेज। गांव के एक किनारे में ज्यादातर ये फूस की झोपड़ियों में या कच्चा घरों में रहने के लिए मजबूर। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है बच्चों कि चाहे जितने भी परिवार हो, जितने भी घर हैं पालमपुर में, वहां पे वेल कनेक्टेड इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, वहां पे स्पोर्ट्स की सुविधा भी मौजूद है और हेल्थ सेंटर की भी सुविधा मौजूद है। आइए अब इस चैप्टर का जो प्राइम पॉइंट है, दैट इज इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ विलेज, उसको डिस्कस करते हैं और कैसे इकोनॉमिक प्रोडक्शन को यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है उसको डिस्कस करना शुरू करते हैं। बच्चों, अभी तक के डिस्क्रिप्शन से, अभी तक जो हमने डिस्कशन किया है उससे आपको ये निश्चित रूप से पता चल गया होगा कि पालमपुर इज ए फेयरली डेवलप्ड विलेज विद ए वेल कनेक्टेड रोड, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, स्कूल एंड हेल्थ सेंटर। दैट्स व्हाई वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड देयर अलोंग विद द एग्रीकल्चर व्हिच इज द प्राइम एक्टिविटी, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज, डेयरी बिजनेस, ट्रांसपोर्ट, स्मॉल शॉप्स आर आल्सो परफॉर्म्ड और कंट्रोल्ड बाय द विलेजर्स ऑफ द पालमपुर। सो इन दिस सेशन टुडे वी विल डिस्कस द वेरियस फैक्टर्स हेल्प इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन इन पालमपुर। आखिर वो कौन कौन से फैक्टर्स मददगार हैं पालमपुर में इकोनॉमिक एक्टिविटीज को सुचारू रूप से चलाने के। सो बच्चों, Let us start to discuss the various factors of production. Production के लिए कौन कौन से फैक्टर जिम्मेदार होते हैं। देखिए, एक तरफ इमेज भी बच्चे बनाई गई है, आप आसानी से देख के समझ सकते हैं। लेंथ का जिक्र है यहाँ पे, लेबर का जिक्र है, कैपिटल का जिक्र है, इलेक्ट्रिसिटी का जिक्र है। एक एक करके थोड़ा बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लेंथ, बच्चों किसी भी तरह का इकोनॉमिक प्रोडक्शन एक्टिविटी हो उसके लिए सबसे जरूरी और प्राइमरी जो शर्त होती है वो जमीन। फर्टाइल, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें
फर्टाइल लैंड का होना बहुत ही जरूरी है, डिफरेंट नेचुरल रिसोर्सेस वहां पे अच्छे से उगाया जा सके, रॉ मटेरियल्स उगाया जा सके, ऐसा जमीन का होना सबसे पहले कह सकते हैं आप प्राइम टर्म्स एंड कंडीशन। सेकेंड लेवल, देखिए किसी भी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करें वहां पे स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों तरह के लेबर की आवश्यकता होती है। अगर काम करने वाला व्यक्ति नहीं होगा तो प्रोडक्शन को नहीं आगे बढ़ाया जा सकता है। इलेक्ट्रिसिटी थर्ड, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर फॉर इरिगेशन एंड टू रन टूल्स एंड मशीन। टूल्स एंड मशीन को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। एंड देन इट इज कैपिटल। कैपिटल बच्चों दो तरह के होते हैं, वन इज फिजिकल कैपिटल एंड सेकेंड इज मनी। अब आइए बच्चों कैपिटल क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कैपिटल। इट हेल्प्स इन गेटिंग द वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड फॉर द वेरियस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। देखिए उत्पादन के लिए हमें तरह तरह के रिसोर्सेस की आवश्यकता होती है और हर ये रिसोर्स हम तभी उपलब्ध कर सकते हैं अपने पास जब हमारे हाथ में मनी है। सो डिफरेंट स्टेज के प्रोडक्शन के लिए कैपिटल की आवश्यकता बहुत ज्यादा। सो कैपिटल को दो भागों में कैटेगराइज किया जा सकता है, वन इज फिजिकल कैपिटल, सेकेंड इज ह्यूमन कैपिटल। व्हाट इज फिजिकल कैपिटल? फिजिकल कैपिटल विच इज इन्वेस्टेड इन फॉर्म ऑफ मनी टू गेट रिसोर्सेज फॉर द प्रोडक्शन। जो पैसे से जो चीजें हम खरीद सकते, तो ये जो पैसा है जिससे सामान खरीदा जाता है उसी को फिजिकल कैपिटल कहा जाता है। और जब हम बात करें फिजिकल कैपिटल को भी दो भागों में क्लासिफाई किया जाता है, वन इज फिक्स्ड कैपिटल, सेकेंड इज वर्किंग कैपिटल। अब क्या है फिजिकल फिक्स्ड कैपिटल और क्या है वर्किंग कैपिटल, इसको भी समझना बहुत ही जरूरी है बच्चों। देखिए डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल, व्हाट इज फिक्स कैपिटल? फिक्स कैपिटल इज द कैपिटल दैट इज यूज्ड फॉर बाइंग फिक्स असेट दैट आर यूज्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन द बिजनेस। देखिए हम जो पैसे खर्च करते हैं पैसों से जो सामान हम खरीदते हैं अगर वो सामान लंबे समय के लिए इस्तेमाल में लाया जा सके या उसको हम बार बार प्रोडक्शन एक्टिविटीज में हम इस्तेमाल कर सकते हो तो उसको हम फिक्स कैपिटल का नाम देते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल लैंड खरीदने के लिए जो रिसोर्स लगते हैं वो क्या होगा फिक्स कैपिटल, क्योंकि एक जमीन का टुकड़ा है हमारे पास बरसों बरस तक रहता है, खर्च करने में उसको एक बार पैसे हमें जरूर लगता है लेकिन उस जमीन पे हम प्रोडक्शन कई बार अंजाम दो। उदाहरण के लिए ट्रैक्टर, हम एक बार ट्रैक्टर, ऐसा नहीं है कि एक बार हमने ट्रैक्टर का यूज किया कि उसको गार्बेज में फेंक, वही ट्रैक्टर का इस्तेमाल हमें बार बार करने में आता है। ट्यूब बेल्ट का इस्तेमाल क्या होता है हम बार बार करते हैं। डिफरेंट मशीन यानी जितने भी ट्रैक्टर्स हैं जितने भी सोर्सेज हैं एक बार खरीद लेने के बाद उसको उत्पादन की प्रक्रिया में जब हम कई बार इस्तेमाल में लाते हैं तो ऐसे कैपिटल को क्या कहा जाता है बच्चों फिक्स कैपिटल कहा जाता है। ये हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रहे हैं। इसी तरह शहरी क्षेत्रों में अगर आप बात करेंगे देखिए फैक्ट्रीज होंगी, फैक्ट्रीज के लिए जो बिल्डिंग बनेगा वहां पे जो मशीन लगेंगे, जो कंप्यूटर्स लगेंगे, जो टेक्नोलॉजिकल सेटअप लगेगा, ये सभी क्या होगा फिक्स कैपिटल का एग्जाम्पल। जब हम बात करते हैं वर्किंग कैपिटल का, वर्किंग कैपिटल इज द कैपिटल दैट इज यूज टू कैरी आउट डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी और टू फॉर ए सीजनल एक्टिविटी। जैसे हम उससे जो भी साधन खरीदते हैं उन साधनों का इस्तेमाल हम एक दिन में ही या एक बार के सीजन के लिए ही कर सकते हैं। जैसे बच्चों अगर जी सर क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी तो अपने सभी देखने वालों को हम बता दें कि हम बात कर रहे हैं 9th स्टैंडर्ड के सोशल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए और हमारा आज का टॉपिक है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर पार्ट वन। इस पर आपको बताया जा रहा है, जैसे सर ने आपको बताया कि ये एक काल्पनिक गांव है और इस गांव के माध्यम से इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स को जानकारी दी जा रही है। कैपिटल के बारे में आपको बताया जा रहा है कि किस तरह से
अर्निंग के सोर्सेज हो सकते हैं और किस तरह से आप ले सकते हैं, आपको डिफरेंस बताया जा रहा है। एक बार हम फिर से कोशिश करेंगे अपने विशेषज्ञ के पास जाने की और हम जानना चाहेंगे उनसे ढेर सारी बातें, क्योंकि हमारे पास अभी भी समय है। और हम आपको एक बार फिर से बता दें अपने फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस, ताकि आप अपने सभी प्रश्न हम तक पहुंचा सके। आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टेलीफोन नंबर पर जो है 8800440459, या फिर आप हमें ईमेल करेंगे। हमारा ईमेल एड्रेस है dth.class9@cit.nic.in, और आप इन माध्यमों को यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी सभी बातें हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके साथ साझा करना चाहेंगे एक बहुत ज़रूरी सूचना NCERT टेक्स्ट बुक से जुड़ी हुई। अगर आप NCERT टेक्स्ट बुक चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। वर्ष 2023-24 के लिए NCERT की पुस्तकें पूरे देश भर में उपलब्ध हैं, और आप ये पुस्तकें NCERT के बिक्री केंद्रों से ले सकते हैं जो कि न्यू दिल्ली यानी कि नई दिल्ली, अहमदाबाद, कोलकाता, गुवाहाटी और बेंगलुरु में स्थित है। और ये बिक्री केंद्र प्रातः 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक कार्यरत है पूरे सप्ताह, और सभी सरकारी छुट्टियों के साथ साथ आप शनिवार और रविवार को भी इन पुस्तकों को ले सकते हैं। अगर आप इन बिक्री केंद्रों में नहीं जा सकते हैं तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, और ये सभी पुस्तकें आपको आपके घर पर डिलीवर की जाएंगी। आपको करना होगा एक काम, आपको हमारे वेबसाइट पर जाना है www.ncertbooks.ncert.gov.in, और आप वहाँ पर से ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आपको ये सभी पुस्तकें PDF वर्जन में डाउनलोड करनी है तो आप कर सकते हैं NCERT दीक्षा ई पाठशाला वेबसाइट और हमारे मोबाइल ऐप से। हम आपसे निवेदन करेंगे हमारे ईमेल हमारे वेबसाइट पर जाने के लिए जो है www.ncert.nic.in पर, ताकि आप सभी ऑथराइज वेंडर्स की डिटेल्स वहां पर ले सकें। और इसी के साथ मैं रेणु भट्ट आप सभी से ले लेती हूं इजाज़त, लेकिन आपको बता दूं कि कुछ ही समय में आप हमारा एक और लाइव इंटरैक्टिव प्रोग्राम देख सकते हैं जो कि है वेबिनार, और उसमें आपको ढेर सारी जानकारी दी जाएगी। और यहाँ पर हम एक बार फिर से कोशिश करेंगे अपने विशेषज्ञ के पास जाने की और उनसे जानना चाहेंगे कि क्या वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो सुशील सर, क्या आप वहाँ पर हैं? जी सर, समय हमारे पास बहुत कम बचा है, हमारे पास तकरीबन 3 मिनट का समय है। हम आपसे निवेदन करेंगे कि जो आप बहुत ज़रूरी बातें हमारे सभी बच्चों के साथ साझा करना चाहते करिए। और सर मुझे लगता है कि आप शायद म्यूट हैं, आपको अपने आप को अनम्यूट करना पड़ेगा। यू हैव टू अनम्यूट योर सेल्फ सर, वी आर नॉट एबल टू हेयर यू। यस सर, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, एक्चुअली ड्यू टू द हाफ टाइमिंग कंडीशन इट इज सर दैट्स क्वाइट फाइन, प्लीज कंटिन्यू सर। तो बच्चों आपने वर्किंग कैपिटल समझ लिया, जो कैपिटल उन सामानों को खरीदने में जिनका इस्तेमाल हम पर्टिकुलर डे के लिए या पर्टिकुलर सीजन के लिए ही कर सकते हैं, उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। सपोज अगर किसान बीज खरीदता है, सीड्स खरीदता है, तो उसका उत्पादन उसका इस्तेमाल केवल वो उसी सीजन के लिए कर सकता है, दोबारा नहीं कर सकता। इरिगेशन के लिए जो उसको पानी के लिए जो खर्च करना पड़ता है, वो पानी को दोबारा इस्तेमाल में नहीं ला सकता। यानी जो भी सामान खरीदने के बाद केवल एक सीजन के लिए या एक बार में ही इस्तेमाल किया जा सकता है, दैट इज नोन एज वर्किंग। बच्चों अब कैपिटल का दो प्रकार बताया था, वन वाज फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल। सो यू कैन सी व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड, the human being not only provides unskilled labor, but the knowledge and enterprise used by human being is very important component of the production. बच्चो ध्यान दीजिए कि किसी भी तरह की production activities के लिए केवल unskilled labor की जरूरत नहीं होती, skilled labor की भी जरूरत हो सकती है। जैसे बच्चों के मन में सवाल उठ सकता है कि सर खेती के लिए क्या होगा, हमें केवल मजदूरों की आवश्यकता। बच्चों आप जानते हैं साइंटिफिक तरीके से खेती करना कितना जरूरी हो गया। आज बार बार इस पे जोर दिया जा रहा है कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर होना चाहिए, आज बार बार जोर दिया जा रहा है कि सॉइल टेस्टिंग पे जोर दिया जाना चाहिए। आज अगर किसानों को पहले से सॉइल की क्वालिटी के बारे में मालूम हो तो कितना केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल होना है, कितना पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होना है, ये द फार्मर्स हैव प्रॉपर टेक्निक टू डू द कल्टीवेशन, देन डेफिनेटली द क्वालिटी द प्रोडक्शन पर हेक्टेयर डेफिनेटली विल बी टू मच हाई। और इसीलिए ये काम क्या कर सकता है, इसी ये जो लोग हैं जो अपने स्किल का इस्तेमाल या अनस्किल लेबर का जो इस्तेमाल करते हैं वो ह्यूमन कैपिटल के नाम से जाना। अब बच्चों आप देखेंगे कि ह्यूमन कैपिटल कैसे
एक इंसान ह्यूमन कैपिटल के रूप में सर तैयार हो बहुत सकता है। बहुत संक्षेप देखिए में जानना चाहेंगे सर, बहुत संक्षेप में। उनके एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पे उनपे खर्च करके, उनके अंदर में हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल पे डेवलपमेंट करके, उनकी हेल्थ पे खर्च करके, उनके वर्क एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके, उनके पर्सनल एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके, उनके इंटेलिजेंस एंड उनके इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके एक व्यक्ति को ह्यूमन कैपिटल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है और ये किसी भी प्रोडक्शन ऑफ एक्टिविटी के लिए अनिवार्य शर्त है। जी तो बच्चों, आज के सेशन के लिए इतना काफी है, धन्यवाद। जी तो ये तो बात हुई ह्यूमन कैपिटल की, और बच्चों हम आपके साथ ये सभी बातें और इसके अगले पार्ट में ज़रूर हम और सारी बातें विस्तार से समझाएंगे। अभी समय हमें बिल्कुल अनुमति नहीं दे रहा है हम ये सत्र आगे बढ़ाएं। सुशील सर, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैडम, जी। और अपने सभी देखने वालों से हम कहेंगे कि एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद अपने एक और लाइव इंटरएक्टिव फोन इन प्रोग्राम के साथ हम हाजिर होंगे जो कि है वेबिनार। आप बस यूं ही हमारे साथ बने रहिए। अभी फिलहाल मुझे रेणु भट्ट को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।